सेट्टी साहब, अभी कुछ दिन पहले मैंने विश्वबंधु जी का इंटरव्यू लिया था। विश्वबंधु जी आपके महासचिव हैं प्रदेश के, उन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी जी को कि कांग्रेस की जो संगठन है वो हमारा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आपके ही महासचिव ने चिट्ठी लिखी है आपके केंद्रीय अधिकारी, क्या लगता है कि अब एक समय कांग्रेस यहाँ पर पूरी सत्ता में थी, एक समय नहीं हुई, आज यहाँ पर महाविकास अगाड़ी प्लस बोला जाता है कि 6-7 सीट ही जाएगी कांग्रेस को, क्या बगा कोई बोलने से? देखो, आपने जो पहले बताया वो अपना अपना विचार है, लोकसभा में अपना अपना विचार मानने का अधिकार सब आदमी को है। आज कांग्रेस अकेला लड़ना चाहिए वो मत में हम सम्मत है, लेकिन आज का जो परिस्थिति है, आज का जो विचार है, आज जे हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सत्ता बना, इसके लिए आज ये देश विरोधी शक्ति भारत जलाओ पार्टी बीजेपी जो हिसाब से लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम का विषय पे टारगेट करते हैं, इसके लिए सब जाति सब धर्म सब प्रांत सब पक्ष एक होकर काम करना आज हमको जरूरी लग रहा है। इसके लिए हम एक साथ होकर लड़ रहे हैं। वो जो 6-7 बोलते हैं वो बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बोलने वाले नहीं होते। कांग्रेस सक्षम है, शिवसेना का जास्ती शिवसेना जास्ती से लड़ेगा, कांग्रेस राष्ट्रवादी सेम से लड़ेगा। आने वाले नवम्बर महापालिका ने महाविकास अघाड़ी का सत्ता आएगा, वो भी आपको 111 में कम से कम 90 सीट महाविकास अघाड़ी का आएगा। ये आपको आश्वासन देता हूँ 100% आने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई 7 आएगा, कोई 6 आएगा, 5 आएगा, ये बहुत बोलते थे लोग, बोलने में नहीं होता, जनता में जनता को पता आज परिस्थिति क्या है। छठी तो मेरा क्वेश्चन वही था कि एक समय कांग्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, आज किसी वजह से क्या कारण है कि सिर्फ आपको एक महाविकास अघाड़ी आपको 6-7 या 10 सीट पर आपको समझौता करना पड़ रहा है, ऐसा आपका गलत है, आप उसको वापस लो। कोई समझौता 10 सीट में नहीं किया है, हम लोग के हिसाब से जो जो हमारा सक्षम कैंडिडेट है जो चुन के आ सकता है उतना लोगों का हम लोग ने तय किया है, उसमें 6-7 भी नहीं 15-20 भी नहीं, उस पर भी ऊपर है। ये आप गलत, आपको कोई कितना सीट आपको है? गलत आपके साथ कितना सीट है उसमें? हमारा साथ कम से कम आपको 30 तक का सीट है, उसमें एक दो आगे पीछे, क्योंकि हम लोग 3 पार्टी एक होने से किधर न किधर हम लोग एडजस्ट करना है। सबको न्याय मिल रहा है, सेना को भी न्याय मिल रहा है, राष्ट्रवादी को न्याय देना है, कांग्रेस को न्याय देना है, इसके लिए वो हिसाब से ऐसा। आपको अगर गलत आपका गलत कमी है आपको बोलता हूँ गलत बोलता है, ऐसा नहीं, सब समान है, सब एक साथ है। हर वार्ड में कांग्रेस के कुछ वोटर्स है, शिवसेना के कुछ वोटर्स है, राष्ट्रवादी के वोटर्स है, सभी सब क्वेश्चन है कि आप पूरे कोरोना काल में आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन जो आपके जो जिले के हैं या फिर और जो कांग्रेस के हैं वो नहीं दिखते हैं आपके अलावा, तो सिर्फ खाली क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही चला रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई एक्टिव दिखाई नहीं देता? लेकिन शायद आप सब जगह घूमे नहीं होंगे, सभी कार्यकर्ता काम किया, लेकिन अपने अपने हिसाब से किया, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किया। हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आज धोनी का सिक्स मारने का तरीका अलग है, सचिन का सिक्स मारने का तरीका अलग है, चंद्रशेखर का बॉलिंग का स्टाइल अलग है, विश्वनाथ का सेंचुरी मारने का तरीका अलग है, हर आदमी का तरीका अलग अलग है, लेकिन हर आदमी सोचते हैं कि लोगों का काम करना है। इस बार के इलेक्शन में हम सेठी साहब को आपके स्टाइल पे देखेंगे, चुनाव जरूर है, गेट है, महाविकास अघाड़ी कम से कम 90 सीट लेगी, ये पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है, सक्षम है और मुख्यमंत्री सक्षम है। आज हम प्रदेश अध्यक्ष दिया है एकदम सक्षम दिया है।